हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी बॉम्बे। इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोज देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोज चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। से ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो जिन लोग को भी अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज amu.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद ये पेज पे पहुंच जाओगे आप, जहाँ पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी मिल जाएगा और नोटिफिकेशन में आपको नोटिस मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 दिखेगा, उस पे हमें क्लिक करना है। तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा फॉर द पीएचडी। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप इंडियन या फॉरेन नेशनल भी जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 19th of August है। और लेट फी के साथ आप 300 रुपीज लेट फी के साथ 26th August तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेसिंग चार्जेस और एप्लीकेशन फी वो है 750 फॉर इंडियन नेशनल और 8,200 फॉर द फॉरेन नेशनल। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो फॉर्म फ्रॉम 28 to 31st के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है। तो आपका मोस्टली 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आफ्टर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो चलेगा, या फिर 2 ईयर मास्टर डिग्री और एंड आफ्टर 3 ईयर ऑफ बैचलर प्रोग्राम, मीन्स बीएससी के बाद एमएससी या फिर बीटेक के बाद एमटेक 1 ईयर का भी चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपसे। एमफिल है तो एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए और 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। पार्ट टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। फिर परमानेंट नर्सिंग ट्यूटर भी प्रोवाइड किए जाएगा विथ 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC और डिसेबल कैंडिडेट के लिए। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट से आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा, फिर जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई फॉर द फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है UGC नेट JRF गेट सीट एंड सिमिलर नेशनल लेवल एग्जाम। वो लोग अगर जनरल कैटेगरी के है एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो भी वो एग्जेम्प्टेड है फॉर अपेयरिंग रिटन टेस्ट। जो भी कैंडिडेट का स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है या फिर गेट नेट क्वालिफिकेशन है वो एग्जेम्प्ट किए हुए हैं रिटन एग्जाम से। और जो विदाउट नेट गेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। और जिनके पास स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है या फिर जिनका नेट गेट क्वालिफिकेशन है कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो कि फॉरवर्डेड रहते हैं ये सबको। फिर जो आपको यहाँ पे ये वेबसाइट पे जाना है, तो ये वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फर्स्टली आपको लॉगिन करना है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह डाल के सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है। मल्टीपल चॉइस आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, साइनअप नहीं किया है, तो पहले आपको यहाँ पे साइनअप करना पड़ेगा। यहाँ पे साइनअप करके आपका नाम, मिडल नेम, बर्थ डेट, आधार कार्ड का डिटेल
मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड ये सब डाल के आपको फर्स्ट ही रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको 19th of August से पहले एप्लीकेशन फिल करना है, या फिर 26th तक के आप लेट फी भर के एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।